फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज मैं पर्सनल की कटिंग लगाऊंगी और आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि मैं पर्सनल की कटिंग किस तरह से लगाती हूं। वैसे जितनी जल्दी हम जो है गर्मी वाले प्लांट की कटिंग लगा लेंगे ना, उतनी जल्दी इनमें फूल देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि बैठने से अच्छा चलिए आज पर्सनल की कटिंग ही लगा दूँ। तो दोस्तों, अब धीरे धीरे गर्म दिन शुरू हो गया है तो इनमें छोटी छोटी प्यारी प्यारी पत्तियाँ निकलना शुरू हो गई है। और विंटर में जो है ना, इस सारी पत्तियों को गिरा देते हैं तो मेरे यहाँ 2-4 दिन से बहुत ही अच्छी धूप हो रही है। और विंटर में देखिए इस तरह से इनकी हालत हो गई थी। तो दोस्तों, घबराने की बात नहीं है, ये परमानेंट है और बराबर आपके गार्डन में बने रहेंगे। लेकिन हाँ, सर्दी के दिनों में इनमें पानी देने की ज़रूरत नहीं है, ये बराबर ऐसे ही पड़े रहेंगे। जैसे ही गर्म दिन शुरू होगा ना, तो ये धीरे धीरे ग्रोथ करना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, पर्सनल हुआ, पार्चुला का हुआ, अपने समर का ये बहुत बेहतरीन फूल वाला प्लांट है। अगर आपने नहीं लगाया है तो कुछ महीने बाद जो है, यानी 2-3 महीने बाद आप नर्सरी में जाएंगे ना, तो ये सब देखने को मिलेंगे। अगर आपके गार्डन में है तो आप इनकी कटिंग लगाना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों, किस कलर के फूल आएंगे पता नहीं, क्योंकि अभी कटिंग लगाएंगे और धीरे धीरे जब इनमें फ्लावरिंग होगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊँ। वैसे मुझे इतना मालूम है कि 2-4 कलर की पर्सनल मेरे गार्डन में है, लेकिन एक किस कलर की है पता नहीं। तो दोस्तों, इनकी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है। और इनकी सीड की बात करें ना, तो अगर इनकी सीड जो है पॉट में गिर जाती है, ज़रा सा मिट्टी मिल गई ना, तो ये बिना पूछे उगने लगते हैं। बहुत ही अच्छा प्लांट है, इजी टू ग्रो प्लांट है। और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है और कम केयर में प्लांट आपके गार्डन में बराबर पड़े रहते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज मैं इनकी कटिंग लगाती हूँ। आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो में इस तरह से छोटी सी कटिंग, ये देखिए कलियाँ भी बन रही है। इस तरह से छोटी सी कटिंग हमें लेना है और लगाऊंगी दोस्तों इस बास्केट में। ये देखिए, ये बास्केट खाली पड़ी थी और इसमें रेत की मात्रा ज़्यादा है तो पानी दे देंगे, इसी में लगाएंगे कटिंग। और ये नॉर्मल मिट्टी में भी चल जाते हैं दोस्तों। और आप चाहे अगर हैंगिंग बास्केट में इन्हें लगाना चाहते हैं ना, तो एक हिस्सा रेत है, एक हिस्सा मिट्टी है, या तो आप जो है कोकोपीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इनमें नमी बराबर बनी रहेगी, बार बार पानी देने की ज़रूरत नहीं रहेगी और आपका हैंगिंग बास्केट भी हल्का पड़ा रहेगा। और कंपोस्ट की अगर बात करें तो अभी इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है, तो नॉर्मल मिट्टी में बड़े ही आराम से लग जाते हैं। तो दोस्तों, पर्सनल हुआ, पार्चुला का हुआ, ये सब ना बहुत ही आसानी से लग जाते हैं। मुझे इनकी कटिंग लगाना बहुत ही अच्छा लगता है और मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं। अगर आप लोग भूल गए हैं तो आप इनकी भी कटिंग जल्द से जल्द लगाना शुरू कर दीजिए। देखिए, मैं कटिंग तोड़ी, बहुत छोटी छोटी कटिंग तोड़ूंगी, इस तरह से लगाऊंगी इनकी कटिंग। तो दोस्तों, मुझे ट्राईपोर्ट मंगवाना है और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द मैं ट्राईपोर्ट मंगवाऊँ, क्योंकि बिना ट्राईपोर्ट के काम नहीं हो पा रहा है। इस तरह से देखिए, मैंने कटिंग तोड़ ली और जब मैं कटिंग इसमें लगा लेती हूँ ना दोस्तों, तो मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। अब कटिंग लगाने की अगर बात मान लीजिए, भी दिखा देते हैं, ये जो इतना हिस्सा है ना मिट्टी में लगाना है और बिल्कुल ऐसे ही लगाना है, ठीक है, लगा के पानी दे देना है। तो फिलहाल मैं लगा लूँ, तब आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, देखिए मैंने पर्सनल की छोटी छोटी कटिंग लगा दी और अब पानी का छिड़काव करेंगे। और अभी जो है मैं इसे टांगूंगी नहीं, बिल्कुल आराम से धूप में रख दूंगी और जब मैं जान जाऊंगी कि ये लग गए हैं, तब उसके बाद इन्हें हम टांगेंगे। वैसे आपको बता दूं कि ये लग जाएंगे, इतना मालूम है, और एक भी कटिंग जो ख़राब नहीं होगी, सारी कटिंग लग जाएगी, क्योंकि ये ऐसा ही प्लांट है। इसलिए अगर आप आसानी से लगने वाले प्लांट की कटिंग लगाना चाहते हैं, तो इस प्लांट को लगाना मत भूलिए, कि बहुत ही आराम से इनकी कटिंग लग जाती है। ये देखिए, पानी का छिड़काव कर देते हैं, धूप इन्हें बराबर मिलनी चाहिए, फिर उसके बाद हमारी कटिंग बहुत ही जल्दी लग जाएगी इस तरह से। और कुछ दिन में जो है हम पार्चुलाका की कटिंग लगाएंगे। अभी तो पर्सनल की कटिंग लग गई है और बाकी जो भी तैयार हो रहे हैं उन्हें भी लगाना है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।